इरफान, सीरियस हूँ मैं यार, भी मजाक नहीं करो। अगर इतनी सीरियस हो ना तो बता दो, मैं हॉस्पिटल में तुम्हारा कमरा बुक करा देता हूँ। अच्छा, और उसी हॉस्टल की छत से तुम्हें धक्का ना दे दूं, या फिर डॉक्टर की स्ट्रेंथ से तुम्हारे दिल में होल्स कर दूं, समझे? वो मेरी कातिल थी ना, कितने सच का है कि सच्चे दोस्त की कोई कदर नहीं करता। खैर हसीना तो मैं कहीं से भी नहीं डरती, लेकिन अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त हो तो निकालो मुझे इस मुसीबत से। आइडिया दो ना, बताओ मैं क्या करूं। देखो मोना, मुझे लग रहा है कि तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। अब तुम्हारे घर वाले तुम्हारी फिक्र नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब गन पॉइंट पे तो वो तुम्हारी शादी नहीं कराएंगे ना। यार तुम मेरे घर वालों को जानते नहीं हो, उनसे तो किसी किस्म की भी उम्मीद रखी जा सकती है। फिर ऐसे करो, तुम उनकी बात मान लो और शादी वाले दिन भाग जाना। मैं तुझे भगा लूंगा यार। अच्छा ठीक है जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही? बाबर वो मोना और यागर। मैं समझ गया, तुम उन दोनों की शादी की बात करना चाह रही हो ना? जरूर मोना ने तुम्हें फीड किया होगा, यही बात है ना? बाबर अगर मोना शादी के लिए राजी नहीं है तो यार उसको शादी के लिए राजी होना पड़ेगा। ओके, यावर बहुत अच्छा और खानदानी लड़का है, और तुम किस किस्म की बहन हो? हाँ तुम उसकी भलाई प्यारी नहीं, अपनी बहन को समझाने के बजाय तुम यहां पर खड़ी होकर उसकी वकालत कर रही हो मेरे साथ। हैरत होती मुझे तुम पर। ऐसी बात नहीं है बाबर। फिर कैसी बात है? हाँ तुम्हें क्या लग रहा है, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तुम्हारी बहन के लिए बुरा चाहता हूँ? नहीं, आप उसके बहनों ही हैं, बिल्कुल भाइयों जैसे हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अभी इस वक्त मोना शादी के लिए तैयार नहीं है और हमें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। यार शी इज 26, ओके 26, दो तीन साल में से कोई पूछेगा भी नहीं, यही सही टाइम है उसका शादी करने का। हैरत की बात यह है कि ये सब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। लेकिन हम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते बाबर। तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम रहने दो। तुम उसकी मैनिपुलेशन में आ गई और कसूर मेरा ही है, मुझे ये मामला तुम पे छोड़ना नहीं चाहिए था। डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूंगा, चिल करो।